गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम डेली 10 इम्पॉर्टेंट वोकैब की सीरीज़ चलाते हैं, जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है। और यहाँ पे हम डेली 10 इम्पॉर्टेंट वोकैब सीखते हैं, जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास दोस्तों। आज के जो फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, वो है मैनूवर। मैनूवर एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है पैंतरेबाजी या चाल, यानी कि मतलब नाटक करना या फिर पैंतरेबाजी करना या कोई उपाय निकालना, युक्ति निकालना। सिनोनिम है दोस्तों प्लॉट और मैनिपुलेट। और ट्रिक है दोस्तों, मैन भी मैनोवर करने में बहुत तेज़ होते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो कहा जाता है कि पैंतरेबाजी करने में या चाल करने में वुमेन भी काफ़ी वुमेन तेज़ होती हैं, लेकिन ट्रिक ये है, यहाँ पे ये है, मैनोवर को मैंने मैन से रिलेट किया कि मैन भी मैनोवर करने में बहुत तेज़ होते हैं। तो अक्सर आप ऐसा देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मैंस होते हैं, मैन होते हैं जो मैनोवर करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आर सेकेंड वोकैब। आज की जो हमारी सेकेंड वोकैब है फ्रेंड्स, वो है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है हस्तक्षेप करना, यानी कि इंटरफेयर करना, दखल देना। सिनोनिम में दोस्तों इंटरप्शन एंड मेडिएशन। दोस्तों यहाँ पे इंटरप्शन और मेडिएशन दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइप के जितने भी वर्ड्स है, जैसे कि इंटरप्शन हो गया, इंटरफेयर हो गया, इंटरवीन हो गया, इंटरवेंशन हो गया, ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे सुनने में भी एक जैसे हैं, तो आप इसे आसानी से रिलेट कर सकते हो। और ट्रिक है दोस्तों, इंटरफेयर करना और इंटरवेंशन करना दोनों सेम है। तो दोस्तों यही मैंने अभी बताया भी कि इंटरफेयर, इंटरवेंशन, इंटरवीन, ये सारे सुनने में भी एक जैसे है और है भी एक जैसे। और ट्रिक भी मैंने यही बना रखी है कि इंटरवीन और इंटरवेंशन दोनों सेम है। लेट्स मूव ऑन टू आर थर्ड वोकैब। आज की जो हमारी थर्ड वोकैब है फ्रेंड्स, वो है रिकनसाइल। रिकनसाइल एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है मेल करना या सामंजस्य स्थापित करना, या फिर मतलब संधि कर लेना। किसी से झगड़ा हुआ तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो वो रिकनसाइल है एक तरह से। और सिनोनिम में दोस्तों कंसिलिएट एंड एसवेज। दोस्तों आप रिकनसाइल और कंसिलिएट देख सकते हैं, काफ़ी एक जैसे हैं। और एसवेज की मीनिंग भी होती है किसी भी चीज़ को शांत करना। अब जैसे किसी दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो गया है, तो आप उस झगड़े को शांत कर रहे हो, तो उसे कहेंगे एसवेज। और ट्रिक है दोस्तों, रीयूनाइट होना ही रिकनसाइल होना है, यानी कि यहाँ पे मैंने रीयूनाइट को रिकनसाइल से रिलेट किया है कि रीयूनाइट होना, यानी कि वापस से दोस्ती हो जाना या संधि हो जाना या सामंजस्य हो जाना, यही रिकनसाइल है। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वोकैब। आज की जो हमारी फोर्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो है हॉस्टेज। हॉस्टेज एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है बंधक। और सिनोनिम में दोस्तों डिटेनी एंड कैप्टिव। और ट्रिक है दोस्तों, एयर होस्टेस को भी हॉस्टेज बना लेते हैं। तो दोस्तों आप अक्सर मूवीज़ में देखते होंगे कि जब भी प्लेन वगैरह हाईजैक होता है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पैसेंजर्स को ही हॉस्टेज बनाया जाता, बंधक बनाया जाता। एयर होस्टेस, पायलट, इन सभी को भी हॉस्टेज बना दिया जाता है, यानी कि बंधक बना दिया जाता है ना। यहाँ पे मैंने एयर होस्टेस को हॉस्टेस से रिलेट किया है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वोकैब। आज की जो हमारी फिफ्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो है क्रीडेंस। क्रीडेंस एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है विश्वसनीयता, यानी कि किसी भी चीज़ पे की साख क्या है, मतलब उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। और सिनोनिम है दोस्तों क्रेडिबिलिटी एंड रिलायंस। दोस्तों रिलायंस कंपनी तो आपने सुना होगा, रिलायंस की मीनिंग भी यही होती है कि आप उस पर रैली कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। और ट्रिक है दोस्तों, क्रेडिट भी क्रेडेंस देख के ही मिलता है। तो दोस्तों आप किसी से भी क्रेडिट लेने जाओ, उधार लेने जाओ, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी उधार दे देता है, सामने वाले की क्रेडिट देखी जाती, क्रेडेंस देखी जाती, विश्वसनीयता देखी जाती है कि सामने वाला जो है वो उस उधार को चुकाएगा कि नहीं, उसका क्रेडेंस क्या है, वो विश्वास करने के लायक है या नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू अवर सिक्स्थ वोकैब। आज की जो हमारी सिक्स्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है झुकाव, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति लगाव होना, है ना। और सिनोनिम में दोस्तों प्रोक्लिविटी एंड एप्टनेस। यहाँ पे प्रोक्लिविटी एंड एप्टनेस दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक है, कोलकाता सिटी में लोगों का स्वीट की तरफ प्रोपेंसिटी है। तो दोस्तों कोलकाता सिटी ऑफ जॉय हम सभी को ही जानते हैं, और रसगुल्ला के लिए बहुत ही फेमस है, ये भी हम लोग सभी को ही जानते हैं। यानी कि वहाँ पर स्वीट को लेकर, मिठाई को लेकर सबको बहुत झुकाव है। बोलते हैं बंगाली लोग जो होते हैं, बंगाल के लोग जो होते हैं, उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए मैंने कोलकाता सिटी को प्रोपेंसिटी से रिलेट किया कि कोलकाता सिटी में स्वीट की तरफ प्रोपेंसिटी है, यानी कि झुकाव है। लेट्स मूव ऑन टू अवर सेवन्थ वोकैब। आज की जो हमारी सेवन्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो है ऑनरस। ऑनरस एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है भारी। और सिनोनिम में दोस्तों बर्डनसम एंड टैक्सिंग।
यानी कि कोई भी चीज़ जो बहुत परेशानी कर रही हो। और ट्रिक है दोस्तों, वन पे सारा ऑनरस नहीं डालना चाहिए, वन यानी कि अकेले पे, किसी एक अकेले पे, वन पे सारा ऑनरस, सारा बोझ, सारी भार नहीं डालनी चाहिए, है ना दोस्तों। कोई भी काम हो तो हमें मिल बांट के कर लेना चाहिए, अगर एक अकेले पे उसका ऑनरस डालोगे तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट वोकैब। आज की जो हमारी 8th वोकैब है फ्रेंड्स, वो है एंटिक्विटी। एंटिक्विटी एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है प्राचीन काल, और सिनोनिम है दोस्तों एंटीक एंड रेलिक। तो दोस्तों हमने एंटीक तो कई बार सुना होगा कि एंटीक पीस, यानी कि बहुत पुरानी है, लेकिन एंटिक्विटी नहीं सुना था, इसलिए एंटिक्विटी को यहाँ पे मैंने एज अ वर्ड लिया है। और सिनोनिम एंटीक आप जान रहे होंगे, रेलिक जो है ये एक अच्छा वर्ड है। और ट्रिक है दोस्तों, एंशियंट चीज़ों को ही एंटीक्विटी कहेंगे, यानी कि एंशियंट भी हम सभी को ही जानते हैं, एंशियंट वर्ड जानते हैं कि पुरानी चीज़ों को, प्राचीन काल की चीज़ों को हम एंशियंट कहते हैं, तो एंशियंट चीज़ों को ही एंटीक्विटी कहेंगे, यानी कि प्राचीन काल का कहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आर फ्रेज। आज की जो हमारी फ्रेज है दोस्तों, वो है बट इन। बट इन की मीनिंग होती है इंटरप्ट, यानी कि हस्तक्षेप करना, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उधर, कि इंटरवीन करना, इंटरवेंशन करना, इसकी मीनिंग भी हस्तक्षेप होती है, और यहाँ बट इन की मीनिंग भी हस्तक्षेप करना होगी। और ट्रिक है दोस्तों, बीच में बट कहकर लोग बट इन किया करते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि कोई अगर कुछ बोल रहे हैं तो किन्हीं को, अगर उनको इंटरप्ट करना हो या फिर उनके बात को क्रॉस करना हो, तो वो क्या करते हैं, बट वर्ड का यूज़ करते हैं और फिर उनके बातों को क्रॉस करते हैं या वहाँ पे रोकते हैं, इंटरवीन करते हैं ना। तो इसीलिए मैंने बट को बट इन से रिलेट किया है कि बट कहकर लोग अक्सर क्या करते हैं, बट इन करते हैं, यानी कि इंटरप्ट करते हैं, आप अक्सर ऐसा देखते होंगे। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट फ्रेज़। आज की जो हमारी लास्ट फ्रेज है दोस्तों, वो है ब्लड रनिंग कोल्ड, जिसकी मीनिंग है बिकम वेरी फ्राइटेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाना। और ट्रिक है दोस्तों, ब्लड कोल्ड हो जाता है जब हम डर जाते हैं किसी चीज़ से, यानी कि ब्लड ठंडी हो जाती है, ऐसा अक्सर होता है ना दोस्तों। ये जो फ्रेज़ है दोस्तों, इसकी मीनिंग आप वर्ड से भी कन्वे कर सकते हो, वर्ड से भी समझ सकते हो, काफ़ी ऑपोजिट टाइप नहीं है या काफ़ी ऑड नहीं है कि आप इसके वर्ड से इसका मीनिंग कन्वे ना कर पाओ, तो इसे आप आसानी से रिलेट कर सकते हो कि ब्लड कोल्ड हो जाना, यानी कि ठंडा हो जाना। जब हम डर जाते हैं तो हमारी ब्लड जो है ठंडी पड़ जाती है, ऐसा होता है ना दोस्तों। सो आज की हमारी वोकैब एंड फ्रेजेस हो चुकी है कम्प्लीट, अब हम लोग कर लेते हैं दोस्तों रिविज़न। आज की जो हमारी लास्ट फ्रेज थी दोस्तों, वो थी ब्लड रनिंग कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाना। और ट्रिक थी दोस्तों, ब्लड कोल्ड यानी कि ठंडी हो जाती है जब हम डर जाते हैं किसी चीज़ से। आज की जो हमारी 9th में फ्रेज थी दोस्तों, वो थी बट इन, जिसकी मीनिंग थी इंटरप्ट यानी कि हस्तक्षेप करना। और ट्रिक थी दोस्तों, बीच में बट कहकर बट इन किया जाता है, यानी कि बीच में बट कह के हम लोगों को क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। आज की जो हमारी 8th में वोकैब थी फ्रेंड्स, वो थी एंटीक्विटी, जिसकी मीनिंग थी प्राचीन काल यानी कि पुराने ज़माना का होना। और सिनोनिम थी दोस्तों एंटीक और रेलिक, यानी कि सॉरी सिनोनिम नहीं बताना, मुझे ट्रिक बताना था, अम्ब्रेली, सॉरी, कोई बात नहीं, आपने सिनोनिम भी पढ़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंशियंट चीज़ों को ही एंटीक्विटी कहते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों को ही एंटीक्विटी कहते हैं, दोनों सेम है। आज की जो हमारी 7th में फ्रेज थी दोस्त, वो कैप थी दोस्तों, वो थी ऑनरस। ऑनरस की मीनिंग थी भारी, और ट्रिक थी वन, यानी कि अकेले पे सारा ऑनरस नहीं डालना चाहिए, यानी कि अकेले पे सारा भार नहीं डालना चाहिए। आज की जो हमारी 6th में वो कैप थी फ्रेंड्स, वो थी प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी की मीनिंग थी झुकाव। और ट्रिक थी दोस्तों, कोलकाता सिटी में लोगों का स्वीट की तरफ प्रोपेंसिटी, यानी कि कोलकाता सिटी में लोगों का स्वीट यानी मिठाई की तरफ झुकाव है। आज की जो हमारी 5th में वो कैप थी फ्रेंड्स, वो थी क्रेडेंस, जिसकी मीनिंग थी विश्वसनीयता। और ट्रिक थी दोस्तों, क्रेडिट भी क्रेडेंस देख के ही मिलता है, यानी कि उधार भी जो है क्रेडेंस यानी कि विश्वसनीयता देख के ही मिलती है। आज की जो हमारी 4th में वो कैप थी फ्रेंड्स, वो थी हॉस्टेज। हॉस्टेज की मीनिंग थी बंधक। और ट्रिक थी दोस्तों, एयर हॉस्टेस को भी हॉस्टेज बना लेते हैं, यानी कि एयर हॉस्टेस, पायलट्स, इन सभी को बंधक बना लिया जाता है। आज की जो हमारी 3rd वोकैब थी दोस्तों, वो थी रिकनसाइल। रिकनसाइल की मीनिंग होती है मेल करना या सामंजस्य स्थापित करना। और ट्रिक थी रीयूनाइट होना ही रिकनसाइल होना है, यानी कि किसी के साथ वापस से दोस्ती कर लेना, मेल कर लेना, सामंजस्य स्थापित कर लेना ही रिकनसाइल होना है। लेट्स मूव ऑन टू आर सेकेंड वोकैब। आज की जो हमारी 2nd वोकैब है फ्रेंड्स, वो है इंटरवेंशन, जिसकी मीनिंग थी हस्तक्षेप करना। और ट्रिक थी इंटरफेयर एंड इंटरवेंशन, दोनों सेम है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरवीन, इंटरप्ट, इंटरप्शन, ये सारे सेम है। आज की जो हमारी 1st वर्ड थी फ्रेंड्स, वो थी मैनोवर। मैनोवर की मीनिंग थी पैंतरेबाजी या चाल।
और ट्रिक थी दोस्तों, मैन भी मैनूवर करने में बहुत तेज़ होते हैं, यानी कि सिर्फ वुमेन नहीं, मैन भी जो है मैनूवर करने में तेज़ होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास हो चुकी है कंप्लीट। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।